नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से। राजभवन में सोमवार को भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में अमेरिका दूतावास के उपनिदेशक एरोन, वरिष्ठ राजनीतिक सलाहकार ए सुकेश, अलेक्जेंडर व्हाइट और यूएस दूतावास में राजनीतिक अधिकारी हिना राव शामिल रही। राज्यपाल बागड़े से उनकी ये शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान एरिक गारसेटी ने राज्यपाल के साथ भारत में अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने भारत की विविधता में एकता की संस्कृति और आत्मीयता से भरे लोगों की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान अपनत्व से भरा प्रदेश है। इसी के साथ ही गारसेटी ने बताया कि साल 2013 में लॉस एंजल्स शहर के 42वें मेयर के रूप में उन्होंने कार्य किया। उन्होंने विशेष रूप से मेयर रहते हुए लॉस एंजल्स को ग्रीन सिटी बनाने, वहां निवेश के लिए किए गए विशेष कार्य और भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में रहे अपने अनुभव को साझा किया। इस दौरान सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव जोगाराम, राज्यपाल के सचिव डॉक्टर पृथ्वी, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा भी उपस्थित रही। और वहीं राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वे पार्वती, काली सिंध, चंबल और स्टन राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का शिलान्यास राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों के उपचुनाव के दरमियान नहीं करें। ऐसा करना नैतिक रूप से अनुचित है। जूली ने कहा कि ये प्रोजेक्ट कांग्रेस का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और वे इसके शिलान्यास के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो बार बार ये मांग कर रही है कि राज्य हित में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, तभी राजस्थान के हितों की रक्षा हो पाएगी। इसी के साथ ही जूली ने कहा कि कांग्रेस सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को बीजेपी सरकार समझने में विफल रही है। इस प्रोजेक्ट पर कांग्रेस शासन में करीब 10,000 करोड़ रूपये की बजट राशि आवंटित की गई थी। ईआरसीपी निगम का भी गठन हुआ था और हड़ौती की काली सिंध नदी पर नोनेरा बांध ईआरसीपी प्रोजेक्ट में बनकर तैयार हुआ पहला बांध हैज, जो कि पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन में बना। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट में इसरदा बांध का भी नव निर्माण कर 6 शहरों में 1250 गांव के पेयजल समस्या का निदान किया गया। जूली ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर काम तो कभी का शुरू हो चुका है, नए बांध बन गए हैं, फिर भी यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करना चाहते हैं तो राजस्थान के व्यापक हित में हम इसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन उपचुनाव के दौरान ऐसा करना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का अगर हम जिक्र कर ले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया गया है कि पार्वती, काली सिंध, चंबल और स्टन राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का शिलान्यास है कि वे पार्वती, काली सिंध, चंबल और स्टन राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का शिलान्यास राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के दरमियान नहीं करें। और इसी के साथ साथ आपको ये बता दें कि ऐसा करना नैतिक रूप से अनुचित है। जूली ने कहा कि प्रोजेक्ट कांग्रेस का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और वे इसके शिलान्यास के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो बार बार ये मांग कर रही है कि राज्य हित में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, तभी राजस्थान के हितों की रक्षा हो पाएगी। इसी के साथ जूली ने कहा कि कांग्रेस सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को बीजेपी सरकार समझने में विफल रही है। इस प्रोजेक्ट पर कांग्रेस शासन में करीब 10,000 करोड़ रूपये की बजट राशि आवंटित की गई थी। ईआरसीपी निगम का भी गठन हुआ था और हड़ौती की काली सिंध नदी पर नौनेरा बांध ईआरसीपी प्रोजेक्ट में बनकर तैयार हुआ पहला बांध है, जो कि पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन में बना है। और इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट में जो है इसरदा बांध का भी नवनिर्माण 6 शहरों में 1250 गांव की पेयजल समस्या का निदान किया गया है। और इस बीच जयपुर से तस्वीरें। और जयपुर में पुलिस शहीद दिवस के मौके पर आरपीए में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर डीएसपी उत्तल रंजन साहू ने कहा कि देश के अमर शहीद पुलिसकर्मियों के बलिदानों से प्रेरणा लेकर सभी पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करते हुए देश की सेवा का संकल्प लें।
और वही डीएसपी साहू ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पूरे भारत में 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 की अवधि में राष्ट्र सेवा में वीरगति को प्राप्त करने वाले 216 पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों के नाम वाचन करते हुए राजस्थान पुलिस परिवार की ओर से उन्हें भावांजलि अर्पित की है। वहीं आरपीए में कार्यक्रम के बाद जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर त्रिमूर्ति सर्किल स्थित पुलिस स्मारक पर भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इस बीच जहां डीएसपी उत्कल रंजन साहू ने पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर पुलिस के अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, इस दौरान पुलिस कमिश्नरेट जयपुर के पुलिस अधिकारियों सहित अन्य पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने भी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने धौलपुर में हुई एक सड़क दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। देवनानी ने इस दुर्घटना में निधन हुए लोगों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति और उनके परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राजस्थान विधानसभा वासुदेव देवनानी ने धौलपुर में हुई एक सड़क दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। और इस बीच आपको बता दें कि देवनानी ने इस दुर्घटना में निधन हुए लोगों के प्रति अपनी संवेदना जताई है और इसी के साथ साथ उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति और उनके परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए भी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर धौलपुर की दुर्घटना पर देवनानी चिंतित है, जिस पर निर्धन हुए लोगों के प्रति उन्होंने संवेदना जताई और इसी के साथ साथ दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है। जहां पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने धौलपुर में हुई सड़क दुर्घटना पर दुख जताया है और देवनानी ने इस दुर्घटना में निधन हुए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और इसी के साथ साथ उनके आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए परमपिता परमेश्वर से भी प्रार्थना की है, श्रद्धांजलि दी है और इसी के साथ साथ उनके आत्मा को शांति मिले इसके लिए प्रार्थना की है। और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान की सह प्रभारी विजया रहटकर की राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुई है। विजया रहटकर ने महाराष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी अपनी एक खास पहचान बनाई थी, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह नियुक्ति की है। उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग जो कि एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त संस्था है, जिसको महिलाओं की उन्नति के लिए व्यापक अधिकार दिए गए हैं और इसमें संवैधानिक और कानूनी मुद्दों को पुनर्मूल्यांकन, संसदीय और वैधानिक सिफारिशें करना, महिलाओं से संबंधित नीतिगत मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना, महिलाओं के मुद्दों पर शोध करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना जैसे कार्य इसमें शामिल है। वही 1992 में विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित यह आयोग सिविल कोच के अधिकारों से सुसज्जित है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदर राठौर ने महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने पर राजस्थान की सहप्रभारी विजया रहटकर को शुभकामनाएं दी है और कहा है कि विजया महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए वे सदैव प्रयत्नशील रही हैं और उनके नेतृत्व में आयोग सशक्त होगा और प्रभावी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि रहटकर जो है महिलाओं से जुड़े हुए सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर मुखर रही हैं। इसका लाभ आयोग के माध्यम से देश की मातृशक्ति को मिलेगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि विजया रहटकर ने विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। इसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कर नियुक्त किया है और वही रहटकर ने प्रदेश की सहप्रभारी के पद पर कार्य करते हुए कुशल मार्गदर्शन प्रदान किया है। इसी के साथ साथ जयपुर से तस्वीरें दिखा रहे जहां विजया रहटकर को शुभकामनाएं मिली हैं। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से लोकप्रिय बीजेपी विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने रविवार को विनम्र और कर्मठ व्यक्तित्व के धनी वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु से आत्मीय भेंट की है और मार्गदर्शन प्राप्त किया है। इस दौरान प्रदेश में संचालित विकास योजनाओं, औद्योगिक प्रगति और राइजिंग राजस्थान
इन्वेस्टमेंट समिट के तहत राज्य में वैश्विक निवेश सहित विभिन्न समसामयिक विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री ने राजस्थान के आर्थिक विकास की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी दी, तो वहीं कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में हम सभी अंत्योदय से सर्वोदय के लक्ष्य के साथ विकसित भारत समृद्ध राजस्थान के नवनिर्माण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बांदीकुई में बढ़ती महंगाई ने आम जनता की रसोई पर गहरा असर डाला है। सब्जियों की आसमान छूती कीमतों ने लोगों की थाली से हरी सब्जियों को लगभग गायब कर दिया है। खास तौर पर हरी सब्जियों की कीमतों में इसका कदर उछाल आया है कि मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों के लिए उन्हें खरीदना मुश्किल हो गया है। जहां कुछ महीनों पहले जो है तक घरों में हरी सब्जियों की भरमार हुआ करती थी, वही आज लोग केवल जरूरी अनाज और दालों पर निर्भर होते नजर आ रहे हैं। सब्जियों का राजा कहे जाने वाला आलू भी लोगों की पहुंच से दूर हो गया है। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, गोभी, लहसुन और आलू जैसी रोजमर्रा की सब्जियां भी अब आम आदमी से पहुंच से दूर हो गई हैं। जहां कुछ दिन पहले बाजारों में टमाटर 20 से 30 रुपए प्रति किलो मिलता था, वही अब जो है 70 से 100 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। इसी तरह हरी पत्तेदार सब्जियों की कीमतें भी तीन गुना बढ़ चुकी हैं। आपको बता दें कि सब्जी मंडी के आढ़तिया दिलीप सैनी ने सोमवार को बताया कि खराब मौसम, बेमौसम बारिश और रास परिवहन लागत में जो है वृद्धि महंगाई का प्रमुख कारण है। कई इलाकों में भारी वर्षा और बाढ़ से सब्जियों की फसलें नष्ट हो गई हैं, जिससे बाजार में सब्जियों की आपूर्ति में भारी कमी आई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बांदीकुई में बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है, रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। लगातार सब्जियां महंगी होती हुई नजर आ रही है। जो रोजमर्रा की सब्जियां हैं, जैसे लहसुन की बात कर ले, प्याज की बात कर ले, आलू की बात कर ले, अब इनके भी दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। तो वही टमाटर इस वक्त जो है लोगों की रसोई में गायब हो गया, क्योंकि टमाटर की कीमतें कई जगह 70 रुपए से 100 रुपए किलो और कई जगह इससे भी अधिक जो है रुपए में मिल रहा है। और ऐसे में लोगों का जो रसोई का बजट है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी और अब जो है जो सब्जियां हैं वो लगातार आसमान छूती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इसका बड़ा और सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है अधिक बारिश होने की वजह से फसलों का नष्ट होना बताया जा रहा है। जो सब्जियों के भाव है वो तो जो नॉर्मल चल रही है, उसमें लहसुन सबसे तेज बिक रहा है 300 रुपए किलो और टमाटर है जो 70 रुपए किलो बिक रहे। मूली, प्याज, मूली बिक रही है हमारे यहाँ पे, जो हरी मूली आती है, प्याज आता है हरी प्याज, जो 30 रुपए 25 रुपए की पोजिशन में। मिर्ची 70 से लेकर 80-90 रुपए किलो। अदरक बिक रही है 65 रुपए। तो ये बरसात हुई, बारिश हुई है, बारिश में लोगों की फसलें गली हुई है। 65 रुपए किलो तक की गोभी बिक रही है थोक में, इसमें मिर्ची इनको नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है फसलों को, इस कारण महंगाई है। लेकिन अभी कम से कम 15-20 दिन और लगेंगे जिससे कि सब्जियों में आवक में बढ़ोतरी होगी, उससे भाव डाउन। और खबर कोटा से, जहां पर कैथून में श्री अन्नपूर्णा रसोई का ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने उद्घाटन किया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार और भव्य तरीके से स्वागत किया। आपको बता दें कि श्री अन्नपूर्णा रसोई से लोगों को 8 रुपए में पौष्टिक भोजन मिलेगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान मंत्री हीरालाल नागर ने सभा को भी संबोधित किया, जहां मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष हरिओम पुरी, नेता प्रतिपक्ष गायत्री शर्मा और पार्षद मौजूद रहे। तस्वीरें आपको कोटा से दिखा रहे, जहां कैथून में श्री अन्नपूर्णा रसोई का उद्घाटन किया गया है। और अब जो है उद्घाटन करने के बाद से लोगों को 8 रुपए में यहां पर पौष्टिक भोजन मिलेगा। आपको बता दें ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इसका उद्घाटन किया है और इसी के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री का जोरदार तरीके से भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। मंत्री हीरालाल नागर ने भी सभा को संबोधित किया है। तो ये एक अच्छी पहल जो है किया गया है, जहां पर आपको बताते चले कि अन्नपूर्णा रसोई का ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने उद्घाटन कर दिया और इस दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया है। इसी के साथ अन्नपूर्णा रसोई से लोगों को महज 8 रुपए में पौष्टिक भोजन मिलेगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान मंत्री हीरालाल नागर ने सभा को संबोधित भी किया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष हरिओम पुरी, नेता प्रतिपक्ष गायत्री शर्मा और पार्षद मौजूद रहे।
तस्वीरें कोटा से आपको दिखा रहे हैं, जहां अन्नपूर्णा रसोई का उद्घाटन किया गया है। बांदीकुई में कुटी फाटक स्थित शराब के ठेके को घनी आबादी क्षेत्र से हटाने के लिए पोस्टकार्ड अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें शराबबंदी आंदोलन जिला अध्यक्ष एडवोकेट विनेश कुमार वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के नाम पोस्टकार्ड भेजे गए हैं, जिसमें कुटी फाटक स्थित शराब के ठेके को हटाने के लिए मुख्यमंत्री को पोस्टकार्ड भेजे गए। वहीं इस अभियान में 51 पोस्टकार्ड से शुरुआत की गई है और मुख्यमंत्री के नाम 5,000 पोस्टकार्ड भेजने का लक्ष्य रखा गया है। भेजे गए पोस्टकार्ड में लिखा गया कि अतिशीघ्र शराब के ठेके को अतिशीघ्र हटाया जाए, अन्यथा कोई अनहोनी और जन आंदोलन होता है तो समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। बौंसुर में सैनी महासभा समिति के तत्वाधान में 13वां प्रतिभावान सम्मान समारोह करने की दयाला वाले मंदिर के बगीचे में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राम सिंह सैनी रहे। इस दौरान सैनी समाज के अध्यक्ष सुरेश चंद्र सैनी ने बताया कि सैनी समाज के पदाधिकारी की ओर से 150 होनहार छात्र छात्राओं और अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों में अव्वल रहे प्रतिभावान को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। सैनी समाज के पदाधिकारी ने मंच के माध्यम से कहा कि सैनी समाज शिक्षा जगत में अलग जगाने वाले मां सावित्रीबाई फूले के पद चिन्हों पर चलकर समाज को नई दिशा की ओर लेकर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर संरक्षक ताराचंद जय सैनी, उपाध्यक्ष जीताराम सैनी, महासचिव संतलाल सैनी, राजाराम सैनी सहित सैनी समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। करौली जिले के मासलपुर पुलिस ने 5 दिन पहले रोहर घाटी के पास अज्ञात बाइक सवारों की ओर से बैंक मित्र को हथियार दिखाकर 3,50,000 रुपए की लूट के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने लूट मामले के 4 आरोपियों को जयपुर और अलवर से गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त एक बाइक भी जब्त की है। पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज, सूचना संकलन और टेक्निकल तथा डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर कड़ी से कड़ी जोरदार जोड़कर घटना का खुलासा किया है, जिसकी पूरी जानकारी एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने दी है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर करौली जिले की मासलपुर पुलिस ने 5 दिन पहले रोहर घाटी के पास अज्ञात बाइक सवारों की ओर से बैंक मित्र को हथियार दिखाकर 3,50,000 रुपए की लूट के मामले का खुलासा कर दिया और पुलिस ने लूट मामले पर 4 आरोपियों को जयपुर और अलवर से गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त एक बाइक भी जब्त की है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज, सूचना संकलन और टेक्निकल तथा डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़कर घटना का खुलासा किया है, जिसकी पूरी जानकारी एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने दी है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। करौली से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां करौली में थाना मासलपुर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां बैंक मित्र के 4 साथ हुए लूट का जो है खुलासा कर दिया गया है, जिसमें 4 शातिर बदमाशों को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। खबर चाकसू से है, जहां नगरपालिका की ओर से 3.5 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया होने की वजह से दीपावली से पहले ही चाकसू नगरी अंधेरे में बदल गई है। आपको बता दें कि रोड लाइट के समस्त कनेक्शंस काट दिए गए हैं, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की तरफ से लापरवाही नगर पालिका की बताई जा रही है, जिसकी वजह से लंबे समय से बिजली का जो है बिल नहीं भरा गया, जिसकी वजह से चाकसू रोड लाइटों के कनेक्शंस काट दिए गए हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली का है, लेकिन चाकसू कस्बे में रोड लाइटों के कनेक्शंस काट के चाकसू नगरी की अंधेरी नगरी में बदल दिया गया है।
मोबाइल की लत बच्चों का भविष्य बिगाड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं चाकसू के सेंट जॉन्स स्कूल परिसर में चिकित्सकों की टीम की ओर से नौनिहालों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें बच्चों की आंखों की रोशनी संबंधी स्वास्थ्य संबंधी कई जांच परीक्षण किया गया, जिसमें अधिकांश बच्चों को आंखों की रोशनी संबंधित समस्याएं पाई गई। जहां डॉक्टर दौलतराम मगनानी ने बताया कि मोबाइल और टीवी से अधिकतर बच्चे आंखों संबंधी कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। साथ ही बताया कि नेत्र शिविर में आंखों के साथ बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी कई जांच भी की गई है। वहीं सत्यनारायण गुप्ता ने बताया कि परिसर में बच्चों की सुविधा को देखते हुए स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है, जिसमें सभी बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी जांच की गई है। नवे आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में रोजगार सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के पंचकर्म विभाग की ओर से आमजन के स्वास्थ्य के लिए नियुक्त रक्तामोक्षण शिविर लगाया जा रहा है। शिविर का उद्घाटन कुलपति संजीव शर्मा ने किया। पंचकर्म विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गोपेश मंगल ने शिविर की जानकारी देते हुए बताया कि शरद ऋतु में शरीर में पित्त बढ़ने से रक्त दृष्टि अम्लपित्त जैसी समस्या बढ़ जाती है। पित्त के कारण होने वाले रोग और समस्याओं के समाधान और बचाव के लिए 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रक्त मोक्षण शिविर का आयोजन पंचकर्म विभाग की तरफ से किया जा रहा है। रक्त मोक्षण को पंचकर्म उपचारों में सबसे महत्वपूर्ण थेरेपी में से एक माना जाता है। इसका उपयोग त्वचा रोग, मुहासे, लिवर रोग जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। ये शरीर से दूषित रक्त को बाहर निकालकर रक्त को शुद्ध करता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो इस वर्ष 29 अक्टूबर को है, जो हम धन्वंतरि त्रयोदशी के रूप में भी मनाते हैं, और इस धन्वंतरि त्रयोदशी और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में ही पंचकर्म विभाग द्वारा रक्तमोक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो आज 18 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा और ये पूर्णतः निःशुल्क है। आयुर्वेद में वर्णित किया गया है कि अगर हम इस शरद ऋतु में, जिसमें स्वाभाविक रूप से पित्त प्रकोपित होता है, अगर हम उस दूषित पित्त को शरीर से बाहर निकाल देते हैं तो भविष्य में होने वाले पैतृक विकार नहीं होते हैं। तो अगर हम रक्तमोक्षण का प्रयोग करते हैं तो इससे भविष्य में जितने भी पैतृक विकार हैं वो होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। और चरक आचार्य ने बताया भी गया है कि जैसे त्वचा से संबंधित रोग है उनमें ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, साथ साथ जिनको ग्रंथि है या सूजन रहती है उसमें लाभदायक है, स्किन का टेक्सचर बढ़ाने में, उसके लश्चर बढ़ाने में ये काफ़ी सहायक है, और इसके साथ साथ हमारी जो बॉडी को ये डिटॉक्सिफाई करता है। इसी कड़ी में 23 अक्टूबर को हम एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन का आयोजन किया जा रहा है, जो इसी रक्तमोक्षण की कड़ी के अंतर्गत है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में 23 अक्टूबर को पधारें और इस रक्तदान महादान वाले शिविर में देकर रोगों को बचाने में सहायता। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।